फ्रेंड्स, ये StarQ W3 ओल्ड मॉडल है। इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसका ये जो थ्रेड है वो कई बार थ्रेड पाइप लगाना, हॉर्स पाइप निकालने की वजह से ये यूज़ करते करते इसका जो पार्ट है ये घिस गया है पूरा। ठीक है, तो अभी हम आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी ये हॉर्स पाइप इसमें कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ही गन ट्रिगर प्रेस कर रहे हैं ये तुरंत फेंक दे रहा है। ये देखिए पूरा एकदम लूज़ है, ये देखिए, ये इसके ऊपर थोड़ा भी चढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल भी एकदम थ्रेड इसका ख़राब हो चुका है। तो मैंने काफ़ी नेट पे सर्च किया तो इसके जो पार्ट हैं पंप वाले साइड के वो तो काफ़ी कॉस्टली आ रहे हैं। तो मैंने जिससे मैंने बटाली का प्रेशर वॉशर परचेस किया था उन्हीं से मैंने कॉन्टेक्ट किया, तो उनके पास केवल ये जो पार्ट है ये थ्रेड वाला पार्ट उन्होंने वो प्रोवाइड करा दिया मुझको। तो मैं आज उसको आपको लगाकर नए सिरे से दिखाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ये रहा ये पार्ट, ये देखिए, ये इसको आज हम चेंज करके इसमें फिट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यूज़ करके ये चलता है कि नहीं। ठीक है, ये केवल ये पार्ट हमने परचेस किया है, चलिए आइए देखते हैं वीडियो में। तो देखिए मैंने फिट कर दिया है ये, अब मैं आपको एक बार चला कर दिखा देता हूँ। ये तुरंत ये देखिए टाइट नहीं हो रहा है, जैसे ही ऑन करता हूँ मैं ये हॉर्स पाइप फेंक देता है बाहर। ये देखिए प्रेशर पड़ते ही ये फेंक दे रहा है, ये थोड़ा भी रुक नहीं रहा है। चलिए आपको मैं आप चेंज करके दिखाता हूँ इसको। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है तो मैं वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कोई पार्ट तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप घर पे मशीन को रिपेयर कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं तो आप उसको ओपन करते वक्त वीडियो ज़रूर बनाएं। उससे होगा ये कि अगर आपको कोई पार्ट मिस होता है तो आप उसे वीडियो में बैक करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा पार्ट लगा हुआ था। ये जो पुराना पार्ट है इसको चेंज करके हम ये नया वाला पार्ट लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटो कट का पूरा पार्ट है, स्विच है इसके अंदर। ठीक है, और अक्सर क्या होता है कि इसका ये जो ओरिंग्स इस पर लगे रहते हैं, देख रहे हैं आप, ये जो दोनों यही चलते चलते कट जाते हैं, इसके वजह से फिर इसमें
लीकेज होने लगती है और फिर ये ऑटो कट करना काम बंद कर देता है। ये आपका मैं जो पार्ट मंगाया हूँ उसमें ये देखिए ये यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे दो उसके जो पिन हैं वो लगेंगे। इसको मैं आपको आज फिट करके दिखाऊंगा। ये दोनों पार्ट मैंने परचेस किए हैं, तालिब सन से मैंने इसको मंगाया है। ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ये ऐसे। दोस्तों इसमें जो पुराना ऑटो कट का स्विच लगा है उसका वायर हम लोग निकाल कर ये जो नया वाला है उसको लगा देंगे। दोस्तों हम इसमें बाइक का जो इंजन ऑयल आता है 2240W वो यूज़ करेंगे। इसका जो स्क्रू है उसके लेवल तक हम इसमें ऑयल फिल करेंगे, उससे ज़्यादा फिल नहीं करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। मैंने बकेट में पानी ले लिया है, अब इसको रन करके देखते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है। दोस्तों इसका एयर रिलीज़ हो जाने के बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका प्रेशर। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया प्रेशर दे रहा है। क्योंकि अभी बकेट से यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, आप जब रनिंग वाटर का यूज़ करते हैं तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को।